दोस्तों ये बात सच है कि जैसे जैसे हमारा जीवन उन्नत होते जा रहा है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें ढेर सारी सुविधाएं देती जा रही हैं। अब देखिए ना, पहले कितना मुश्किल था हमारा जीवन। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को सीढ़ियों से जाना पड़ता था, आजकल तो लिफ्ट या एलिवेटर्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, हर तरह से सुविधाएं हमारे जीवन में विद्यमान है। मगर क्या ये नहीं हो सकता है कि इन यंत्रों से भी पराजगत के लोग जुड़ जाएं और किसी डर की सृष्टि करें? आज की कहानी कुछ ऐसी है। हाँ, ये कहानी सच है और किसकी है, क्या है, इसे छुपाने के लिए नाम और पात्र बदल दिए गए हैं, मगर 100% सच्ची कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये कहानी बेहद डरावनी सी हो गई जब मैं इसे लिख रहा था, क्योंकि एक बार मन में सोचा कि अगर ये घटना हम में से किसी के साथ हो जाए तो क्या होगा। और जैसे जैसे ये बात का अनुभव करते हुए मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। आशा करता हूं ऐसा ही डर आप लोगों को भी लगेगा। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। मैं तभी इस ऑफिस में ज्वाइन हुआ था। मेरा काम था नया ब्रांच जो खुलने वाला है उसमें एज अ मैनेजर मुझे ज्वाइन करना था, मगर अभी मुझे इस ऑफिस में आकर फ्रंट डेस्क में रहकर काम सीखना था। ऑफिस के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी थी, उन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करना था और नए ऑफिस में मुझे किस तरह से काम करना है ये सब मुझे सीखना रहता था। हालांकि काम का प्रेशर उतना नहीं था, रोज मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जाता जिसे मैं स्टडी कर लेता और खाली समय में जैसे सब कुछ करते हैं और कुछ करता था। यहां पर मैं फेसबुक नहीं कह रहा हूं क्योंकि 10 साल पहले ऑर्कुट ही ज्यादा फेमस था, न व्हाट्सएप न फेसबुक। और कभी कभी खाली समय में कंप्यूटर के साथ चेस भी खेल लिया करता था जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से हारता था। दूसरे कोई गेम डालने की ऑफिस में अनुमति नहीं थी इसलिए मुझे मजबूरी में यही सब करना पड़ता था और बाकी समय सीखता रहता था। उस दिन लंच के बाद कोई खास काम नहीं था, थोड़ी सी नींद सी भी आ रही थी मगर ऑफिस में सोने का कोई चांस नहीं था। तभी मैनेजर साहब मेरे पास आए। अरे रमेश, वो हेड ऑफिस वाली प्रोजेक्ट पढ़ ली तुमने? जी सर, मैंने पढ़ भी ली और उसके मेन पॉइंट्स आपको मेल भी कर दिए। अरे वाह, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी कोई खास काम तो नहीं? नहीं सर, अभी तो कोई खास काम नहीं। तो एक काम करो, हमारा जो प्रोजेक्ट K91 है ना, शहर के बाहर वाला जो मॉल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पे चले जाओ। असली में आज ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पे है इसलिए मैं जा नहीं सकता, तुम्हें भेज रहा हूं। तुम्हारे पहले जो इंजीनियर यहां पे था जिसने जॉब छोड़ दी, वो उस प्रोजेक्ट को देख रहा था, उसने सारी रिपोर्ट तैयार कर रखी है। बस एक बार कंप्यूटर के साथ प्रिंटेड रिपोर्ट को तुम्हें टैली करना है और फिर उसे मुझे मेल कर देना। आज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखो कल संडे है, मैं बैठकर सारी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। बिल्कुल सर, मैं चला जाता हूं, कहकर मैं वहां से निकल गया। कार से करीब आधा घंटा लगना था मुझे वहां पहुंचने में, मैं 3:30 बजे निकला था। यहां पहुंचकर तो मैं आश्चर्यचकित सा हो गया। शहर से इतनी दूरी पर ऐसा एक मॉल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल वीरान सा इलाका था। आसपास वैसे बहुत सारी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस चल रहे थे मगर ऐसी जगह पर अभी कौन रहता है। आसपास गाड़ियां और कारें भी बहुत कम थी, बिल्कुल नो मैन्स लैंड जैसा लग रहा था। मैंने कार खड़ी की और एक बार चारों ओर देखा, ऐसा लगा कॉन्क्रीट के दानों खड़े होकर मुझे घूर रहे हैं। ठंड की शाम थी, 4 बजे से ही हल्की हल्की धूप गिरने लगी थी। मैं चलता हुआ मॉल की तरफ चल पड़ा। ऐसे वीराने में मॉल का कंस्ट्रक्शन, मन में यह भी बात आई कि जैसे ही मॉल बसेगा आसपास का पूरा इलाका गुंजायमान हो जाएगा। मॉल में पहुंचकर मुझे आश्चर्य लगा, इतना बड़ा मॉल मगर एक भी सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन कोई भी नहीं दिख रहा था। क्या अभी यहां कोई काम नहीं करता है?
ये सोचते हुए मैं मॉल के अंदर गया। मॉल क्या था, एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड था, बड़ा सा, करीब 6 माले का। सबसे नीचे पार्किंग, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर और बाकी 5 माले। सबसे ऊपर वाले माले में हमारा ऑफिस था जहां मुझे जाना था। वहां जाने के लिए एक्सेलेटर और लिफ्ट दोनों ही थी। मैं लिफ्ट की ओर बढ़ चला। मॉल का एक हिस्सा पूरी तरह कांच से निर्मित था जो पश्चिमी हिस्सा था। उधर डूबता हुआ सूरज अपनी छटा बिखेर रहा था। तभी अचानक सीढ़ी के पास से एक आदमी निकल आया। मैं चौंक सा गया। उसने नीले कलर की शर्ट और काला पैंट पहना हुआ था। मैं बोल पड़ा, आप यहां के सिक्योरिटी गार्ड है? वो बोला, हाँ। क्या नाम है आपका? उस आदमी के चेहरे में अजीब सी भाव शून्यता थी, आंखें जैसे दहक रही थी। वो बोला, दीनानाथ। मैंने मजाक करने के लिहाज से बोला, दीनानाथ या दीन अनाथ। मेरे इस जोक पर वो हंसा नहीं। मैंने कहा, मैं ऑफिस स्टाफ हूं, 5वें माले पे मुझे कुछ काम है। अभी शायद वो मेरा जोक समझा था। एक अजीब सी हंसी हंस दिया और बोला, लिफ्ट खराब है, सीढ़ी से जाइए। 5 माले सीढ़ी चढ़ना, उफ, क्या किया जा सकता था। मैं चढ़ गया। वो आदमी डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर खड़ा था। एक बार मैंने पलटकर उसकी ओर देखा, तुरंत ही वो मेरी ओर पलटा, मगर फिर मैं ऊपर चढ़ गया। मुझे बताया गया था कि मॉल में कई जगह पर लाइट है और कई जगह नहीं। मेरे वाला कमरे में लाइट थी। मैंने वहां पहुंचकर सबसे पहले लाइट जलाई और फिर कंप्यूटर ऑन किया। मोबाइल में देखा तो 11% चार्जिंग बची थी। अभी तक मोबाइल को चार्ज करने का टाइम नहीं मिला था, तुरंत ही उसे चार्जिंग में लगाया। मुझे बताया गया था कि सामने ड्रॉयर में सारी फाइलें हैं। मैंने वो फाइल निकालकर कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। इस समय करीब 4:25 हो रहे थे। काम करते करते मुझे अपने से पहले वाले इंजीनियर पर श्रद्धा हो आई। मन किया, काश एक बार मैं उससे मिल सकता। इतनी परफेक्शन से काम कोई कैसे कर सकता है? एक भी गड़बड़ी कंप्यूटर एंट्री और कागजों पर नहीं मिल रही थी। काम तुरंत तुरंत होता जा रहा था, मगर मैं फिर भी धैर्य से काम कर रहा था। करीब 2 बार मैंने चेकिंग की और सब कुछ सही पाकर बॉस को मेल कर दिया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 8 बज चुके थे। ओह, समय का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी समय बीत गया। अब मॉल एक सुनसान वीरान अंधेरे कूप में बदल चुका था। मैंने सारा काम निपटा कर फाइल रखने के लिए दराज जैसे ही खोली, वहां पर मुझे कागजों का पोथा दिखा। इससे पहले मैंने उसे देखा था, मगर काम के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने उसे निकाला और बाकी फाइलें रख दी। पढ़ने लगा तो ये रेजिग्नेशन लेटर जैसा लगा, अर्नब चक्रवर्ती का। अब यही तो नाम था मेरे पहले वाले इंजीनियर का। मैंने बड़े चाव के साथ लेटर पढ़ना शुरू किया। 3 पन्नों का रेजिग्नेशन लेटर जिंदगी में पहली बार मैं देख रहा था। मैंने बड़े ध्यान से लेटर को पढ़ना शुरू किया। मैं अर्नब चक्रवर्ती इस ऑफिस की नौकरी को बिल्कुल छोड़ना चाहता हूं और इसीलिए ये रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी बातों को हंसी मोड़ा दिया जाता है, मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बाद इस ऑफिस में काम कर सकना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं बहुत ही लगन से और मेहनत से काम कर रहा था। जब मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया तो मैं दिल से बहुत खुश था। हालांकि यहां का काम 4-5 बजे तक हो जाता था और अधिकतर मैं ऑफिस बंद करके चला जाता था। दीनानाथ, यहां का सिक्योरिटी गार्ड, वो मेरा साथ देने के लिए हमेशा रहता था। मगर उस दिन पता नहीं काम करते करते कब 8 बज गए। काश ऐसा ना हुआ होता। मैं ऊपर बैठकर काम कर रहा था, तभी मन किया कि चाय पिया जाए।
नीचे दीनानाथ को फोन लगाया। दीनानाथ काका, चाय ले आओ ना। उसके बाद मैं फिर से काम में भिड़ गया। तभी मैंने लिफ्ट की आवाज आई। जैसे लिफ्ट नीचे से ऊपर आ रही, मैं बाहर का दरवाजा खुला ही रखा था। मेरी पीठ लिफ्ट की तरफ होती थी। मैंने कुर्सी घुमाई और लिफ्ट की तरफ देखा। सोचा दीनानाथ काका लिफ्ट से ऊपर आ रहे होंगे, हालांकि अक्सर वो सीढ़ियों से ही आते थे। लिफ्ट ऊपर आई मगर उससे कोई निकला नहीं। आश्चर्य। मैं कुछ देर तक इंतजार करता रहा और फिर कंप्यूटर की तरफ मुड़कर काम करने लगा। तभी अचानक दीनानाथ काका की आवाज आई। साहब, मैं चौंक पड़ा। दीनानाथ काका एक हाथ में मिट्टी की भांड और एक हाथ में चाय की केटली लिए कमरे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब से डर का भाव दिख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ काका, बहुत देर लगा दी। साहब, बहुत दूर जाना पड़ता है ना। आइए अंदर आइए, चाय दीजिए। वो पता नहीं क्यों डरते डरते कांपते हाथों से टेबल पर चाय रखे। मैंने पूछा, क्या हुआ काका? साहब, कुछ कहूंगा तो बुरा तो ना मानेंगे। क्या? मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा आपके पीछे एक अजीब सी आकृति खड़ी है। उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने एक काला सा कपड़ा उड़ा हुआ था और उसका चेहरा धप सफेद सा था। जैसे ही मैं यहां पहुंचा, वो दौड़कर सामने दीवार में चले गए। क्या बात कर रहे हो काका, यहां पर मैं हूं, आप हो, उसके अलावा और कौन है? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं साहब, सच कह रहा हूं, कहते हुए वो तेजी से वहां से चले गए। कुछ देर बाद काम खत्म करके मैं भी वहां से चला गया, मगर इस बात पर मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसके दो तीन दिनों तक मुझे यहां ऑफिस आने का समय नहीं मिला। मगर इसके बाद जो घटना मेरे जीवन में घटी, उसने मुझे दहला दिया। उस दिन सवेरे से ही बारिश हो रही थी और मुझे किसी खास काम से यहां आना था। शाम के करीब 6 बजे मैं यहां आया। बारिश की वजह से उस दिन दीनानाथ काका भी ऑफिस में नहीं थे। मैंने ही मॉल खोला और ऊपर आ गया। मगर जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर आया, जो कुछ मैंने देखा, मेरे पांव जैसे थमसे गए। मैंने देखा सामने वाली खुली जगह पर कोई पागलों की तरह टहल रहा था और इस चेंबर के अंदर एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति स्त्री की थी या पुरुष की थी समझ नहीं आ रहे थे, मगर उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने एक काला सा कपड़ा घुटनों तक पहना हुआ था या लपेटा हुआ था पता नहीं, और उसका चेहरा धब सफेद सा था। मैं इसे देखकर कांप सा गया और अगले ही पल तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आया, ऑफिस बंद किया और यहां से चला गया। आगे 2-3 दिन फिर से काम में व्यस्त रहने की वजह से मुझे किसी को भी इसके बारे में बताने का समय न मिला और ना ही दीनानाथ काका से बात हो सकी। मगर एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि सबसे ऊपर वाले माले में जाकर नाप जोप करके रखूं, क्योंकि कल सुबह यहां पर मोबाइल टावर लगना है। सवेरे से मुझे जानकारी देनी थी मगर मुझे जानकारी न दी जा सकी, और अगर अभी मैंने नाप न लिया तो सवेरे तक काम लेट हो जाएगा। अतः मजबूरी में मुझे रात के 8:30 बजे ऑफिस आना पड़ा। नीचे ही दीनानाथ काका मिल गए। मेरी बातें सुनकर वो बोले, साहब थोड़ा संभल कर। मन तो किया कि दीनानाथ को अपने साथ ऊपर ले जाऊं, मगर 65 साल के बूढ़े को इतनी सीढ़ियां चढ़ाना मेरा मन नहीं माना। अकेले ही मैं सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाले माले में पहुंच गया। ये खुली बड़ी सी छत है और यहां पर उस दिन तेज हवाएं चल रही थी। मैंने ऊपर आकाश की तरफ देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे। मैं अपना नाप लेने लगा कि अचानक लिफ्ट की घड़घड़ाहट हुई। जैसे लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है। पहले लगा दीनानाथ काका होंगे, मगर अगले ही पल जब लिफ्ट खुली तो जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं कांप गया। सामने लिफ्ट में वही आकृति खड़ी थी
जो मुझे घूर रही थी। उसने एक अजीब से हंसी हंसी मुझे देखकर और अगले ही पल लिफ्ट नीचे जाने लगी। 6, 5, 4 मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मन किया तेज कदमों से नीचे चला आऊं, ये मैं मन में सोच ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज पड़ी। फोन उठाया तो दीनानाथ थे। साहब अभी आप नीचे मत आइएगा, कहीं छुप जाइए, बहुत खतरा है साहब, बहुत मुसीबत है साहब। कहते कहते अचानक फोन कट गया। मुझे समझ में आ गया था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। कि तभी अचानक एक बार फिर से लिफ्ट की गड़गड़ाहट हुई और लिफ्ट के नंबर बदलने लगे। 1, 2, 3 कोई लिफ्ट से ऊपर आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसका इंतजार करूं या। तभी मैंने तेज कदमों से सीढ़ी से उतरना शुरू कर दिया। अचानक लिफ्ट उल्टा जाने लगी, जैसे वो मेरा पीछा कर रही हो। पूरा मकान खाली था, हर एक माले से सीढ़ियों से उतरता हुआ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भूत बंगले से होकर तेजी से नीचे उतर रहा हूं और लिफ्ट भी उसी गति से मेरा पीछा कर रही थी। दौड़ते 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 मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि अचानक लड़खड़ा कर मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। इसी तरह से जान बच गई थी, मगर तभी मन में ठान लिया कि मुझे ऑफिस छोड़ना है और अपने दोस्त के साथ बैठाकर टाइपिंग कराते हुए लेटर टाइप किया और अब ये रेजिग्नेशन लेटर मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। हॉस्पिटल में रहते हुए मैंने दीनानाथ के बारे में सुना था कि उसकी अचानक उसी दिन मौत हो गई थी। उसे किसने मारा या उसके मारने वाले को सजा मिल सकती कि नहीं, ये बात करना भी व्यर्थ है क्योंकि पुलिस आज तक उसकी मौत का कारण नहीं जान पाई है, मगर उसकी मौत का कारण मुझे पता है। हो सके तो उसके परिवार वालों को अच्छी कंपनसेशन दे दीजिएगा क्योंकि बेचारे ने इस ऑफिस के लिए ही अपनी जान दी थी। इसके बाद मैं इस ऑफिस में कभी नहीं आऊंगा। लेटर को पढ़कर मैं स्तब्ध सा था और सबसे बड़ी बात थी वो एक लाइन जिसमें लिखा था दीनानाथ की भी उसी रात मौत हो गई थी। तो अगर दीनानाथ की मौत हो गई थी तो अभी जिस चौकीदार से मैं नीचे मिला था वो कौन था। मैंने तुरंत ही कुर्सी से उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाना उचित समझा। और तेज कदमों से बेतहाशा पागलों की तरह सीढ़ी से उतरने लगा। मैं तेजी से हांफता जा रहा था मगर मुझे रुकने का समय नहीं था। नीचे पहुंचकर एक नजर चारों ओर देखा कहीं दीनानाथ तो नहीं है, मगर मुझे नहीं दिखा और मैं बेतहाशा दौड़ता हुआ मॉल से बाहर आ गया। बाहर आकर मैं दौड़कर अपने कार की तरफ जा रहा था और मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ता हुआ सा आ रहा है। कार के अंदर बैठकर मैंने एक बार ऑफिस वाले हिस्से पे नजर डाली। जल्दबाजी में मैं ऊपर की लाइटें बंद करना भूल गया था और उन लाइटों में कांच के अंदर से मैंने देखा एक आकृति खड़ी है जिसने काला सा कपड़ा ओढ़ा हुआ है और वो एक टक मेरी ओर निहार रही है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ वहां से चला आया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच थी? जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक सच्ची घटना है, मगर क्या ये घटना उन लोगों के साथ सच में हुई थी या उनके दिमाग का भ्रम भी हो सकता है, या फिर सच है कि हमारी वैज्ञानिक क्रांतिकारी मशीनें भी दूसरी दुनिया की आक्रमण से नहीं बच सकती।